रात को कस्त में खलिया टॉप की ओर जा रहे हैं। शाम का 7:03 हो रहा है और हम बुजानी से करीब आधा किलोमीटर दूर। ये देखिए मुंशहरी पार, ये कल रात की पड़ी हुई बर्फ अभी भी यहाँ पर को थोड़ी सी बची हुई है बुजानी में, और ये टेंट लगे हुए हैं और हमारी चाय हमारा इंतज़ार कर रही है। चलते हैं चाय के पास। बुजानी के ठीक 3 किलोमीटर पहले इस पड़ाव में हमने यहाँ टेंट में रुके हुए हैं, अपना डिनर कर रहे हैं चटनी और सलाद के साथ, जबकि हमारे बॉडीगार्ड मक्कू डिनर कर आराम फरमा रहे हैं। अच्छा आप लोग कभी पहली बार वो समझ गया जब आप नीचे इतनी लेट में ऊपर आए, मैं समझ गया। यहाँ पर हरिद्वार और मुंबई से भी कुछ टूरिस्ट खलिया टॉप जाने के लिए आए हुए हैं। सारा दिन थकने के बाद अब ये यहाँ पर शाम को बैठ के कुछ मौज मस्ती कर रहे हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। हमारी गश्ती टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य मक्कू इस तरह से रात्रि विश्राम करते हुए, गुड नाइट मक्कू। मेरा दोस्त मक्कू और मेरा सबसे वफादार आदमी सोया हुआ दूर दूर तक यहाँ पर कोई नहीं, और धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ते हैं तो बिल्कुल साफ आसमान और तारे टिमटिमाते हुए ये देखिए। अगर हम टेंट के भीतर नजर डालें तो ये हमारे मित्र सोए हुए हैं। वाह ग्रेट, देखिए पाले की कितनी मोटी परत हो रखी है इधर। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं और सामने इतना सुंदर व्यू राजरंभा और पंचाचुली का बहुत सुंदर दृश्य, सुबह बन गई। साढ़े 7 हम यहाँ बुजानी से आगे निकले थे और ये हैं रोडोडेंड्रोन कैंपेन्युलेटम, सफ़ेद कलर का बुरांस, और हमारी टीम के एक अति महत्वपूर्ण सदस्य ये हमारे साथ यात्रा में शामिल। ग्रेट हिमालयन ग्रिफिन्स आर एंजॉयिंग इन द स्काई, गुड साइन। Himalayas are conserved up to some extent. Mukku in Alaska. Mukku is enjoying in Alaska. I mean Khalia Top on 18th October 2023. Look, Mukku and me. Ah, you can see 360 degree view all around. We are at top of Khalia, means zero point. Khalia summit से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक्साइटमेंट चरम पर। खलिया टॉप से चारों ओर का बहुत शानदार नजारा आप देख सकते हैं उधर बागेश्वर, और ये लगता
तक सारे पहाड़। वाह, ये लॉज क्या इससे बेहतर हो सकता है। इस प्रकार हमने काम के साथ खूब सारी मस्ती भी की। आप भी आइए, इन पलों का आनंद लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।